सो नुब्रा वैली से हम निकल चुके हैं तकरीबन 20 मिनट पहले और आज हम जा रहे हैं पैंगोंग लेक। तो हम कल रुके थे डिस्किट में तुरतुक से वापस आके, तो डिस्किट से पैंगोंग लेक तक की दूरी है 161 किलोमीटर, जिसको पूरा करने में हमको अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 घंटे लगेंगे और मुझको थोड़ा ज़्यादा लग सकता है क्योंकि भाई मैं जाऊँगा आराम आराम से इंजॉय करते हुए। देखो वो जो सामने, ये सामने सैंड देख रहे हो, ये रोड यहाँ से शुरू होता है और एकदम वहाँ पर अभी मैं जहाँ पर रुकूँगा नुब्रा का पेट्रोल पंप है वहाँ तक है और ये 2 से 3 किलोमीटर का स्ट्रेच सिर्फ सैंड ड्यून्स के बीच में है। इधर फुल कर दो, इधर 2-2 लीटर्स। ठीक है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम नुब्रा वैली फर्स्ट पेट्रोल पंप। नुब्रा वैली में एंटर करते ही ना ये सबसे पहले पेट्रोल पंप पड़ेगा और उसके बाद यहाँ से नुब्रा वैली शुरू हो जाती है। तो आज का जो हमारा ट्रिप है वो है नुब्रा वैली टू पैंगोंग लेक। उधर पहुँचने के 3 रास्ते हैं, एक जिससे हम जाएंगे जो श्योक रिवर के किनारे किनारे जाता है, दूसरा रास्ता है वारिला पास, तीसरा ऑप्शन है आप ले जाओ ले से फिर पैंगोंग लेक चले जाओ। अभी यहाँ पे ना रास्ते में मैंने कुछ फ़ोटोज़ खींचे, मोहित आगे निकल गया था, इतना अच्छा स्ट्रेच था, पूरा रेत रेत और चारों तरफ पहाड़। ओए 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 ओए, ये कैसे होगा, ये तो गड़बड़ हो गया। अच्छा हमको निकलने को बोल रहे हैं तो हम निकल जाते हैं फट से, ये बहुत होता है यार, ये गाड़ी इतना घूमती है ना मोशन सिकनेस हो जाती है लोगों को। बाकी रोड्स के कंपैरिजन में ये वाला रोड थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें रोड पे बहुत ज़्यादा रेत पत्थर वत्थर बीच में मिल रहे हैं पड़े हुए, लेफ्ट साइड में कोई सपोर्ट नहीं है। पैंगोंग के लिए लेफ्ट लेना है, खारदुंगला के लिए राइट लेना है। ओके, मतलब हम इधर से आए थे लेह की साइड से, ये खारदुंगला की साइड से, पर अब हम अगम थांग्यार और शक्ति की ओर से जाएंगे पैंगोंग। ये देखो कितना सारा रेत गिरा इधर आकर। ओए 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 ओए, बच गया बच गया। शिट। क्या रास्ता है बॉस, ये देखो प्लेन रोड पे स्पीड अच्छे से मेंटेन रहती है, जैसी पहाड़ आता है स्पीड। तो अभी आ गया अगम, अगम विला एंड कैफे, एक मैगी ऑर्डर की, एक सैंडविच और चाय। यहाँ से 45 किलोमीटर्स बाद आएगा श्योक। श्योक रिवर का भी नाम है जो पीछे है और श्योक एक विलेज का भी नाम है। और उसके बाद आएगा दुर्बुक, दुर्बुक के बाद आएगा पैंगोंग का व्यू पॉइंट। वहाँ से अगर आप लेफ्ट चले जाएंगे तो पैंगोंग के दूसरी साइड वाली साइड में पहुँच जाएंगे और राइट जहाँ हम जाएंगे स्पागमिक तो वहाँ पहुँच जाएंगे। श्योक 42 किलोमीटर्स और अभी बज रहे हैं 11:25, सुबह में हम निकले थे अराउंड 9:30। इधर तो दो गाड़ी निकल ही नहीं सकती एक साथ, देखो मर्सिडीज चढ़ रही है आराम आराम से। यहाँ पे रास्ता थोड़ा ख़राब है, इससे मैं ना डिस्टेंस मेंटेन करता हूँ क्योंकि कई बार ना गाड़ी का पहिया घूमने से पत्थर आ जाता है पीछे उछल के। ये देखो कहाँ से गिरे पत्थर, ये पत्थर ना गिरे इसलिए ड्रम्स लगाए हुए। भाई ये रास्ता ना अभी तक का सबसे खतरनाक रास्ता रहा है मुझे लग रहा है, अभी तक जितने दिन हमने बाइक चला ली पिछले 7-8 दिन में। शिट, इतना बड़ा पत्थर दिखाई नहीं।
हैं एक ड्रोन शॉट लेने के चक्कर में। ड्रोन के कैमरे का फ्लैप निकाला, कैमरे का कवर निकाला, बाइक पे रख दिया, फिर बाइक इधर लाया, ये सब नौटंकी करते करते गिर गया इधर ही कहीं। अभी मैं ढूंढने आया हूँ, मुझे लगता नहीं मिलेगा लेकिन कोशिश करनी चाहिए। यहाँ से ऐसे मैंने बाइक टर्न की थी इधर, ठीक है, और ऐसे करके एक तो है भी वो इतना छोटा सा ना, ब्लैक एंड वाइट पत्थरों में दिखेगा भी नहीं। मिल गया, ये रहा देखो, पर ये किसी गाड़ी से दब गया भाई। मिल गया, बेंड हो गया, टूटी नहीं है। अभी ठीक करें इसको या गर्म करके बाद में करें? ये नहीं होगा भाई, कोशिश तो करेंगे यार। गया काम से, क्या करूं, तो गिरा गया है ना तो जाके। हाँ, पीछे रखा था बाइक। ये देखो, ये ड्रोन में ना ऐसे आगे ये कैमरा है, इस कैमरा में ऐसे आगे लगता है, पर ये इस पे बॉक्स पे रखा था, उधर गिर गया और किसी गाड़ी के पहिए से दब गया, अब इधर नहीं लगेगा। तो इसकी सेफ्टी का घर पहुंच के कुछ करना पड़ेगा। मिल जाएगा, अलग से मिल जाता है। टाइम हो रहा है 12:45, आगे आएगा श्योक, फिर आएगा दुर्बुक। अब दुर्बुक के आगे ही कहीं रुकेंगे। क्या हो गया भाई, क्यों रुके हो? निकल गई। चलो। पानी का फ्लो, आ जाओ भाई, पहले आप आ जाओ, पहले इसको निकलने देते हैं, आगे रास्ता ही नहीं है। चलो हमारी बारी। रुक जा, पहले वो गाड़ियां क्रॉस हो जाएंगी फिर हम निकलेंगे। क्या हुआ, फंस गई क्या? थोड़ी हेल्प कर देते हैं। चलो 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 बस इधर इधर को काट के। आराम से, किधर से आ रहे हो भाई? कश्मीर से आ रहे हो? बहुत बढ़िया, हम कश्मीर जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ देखते हुए जाएंगे उधर ही। हाँ जी, हाँ चल रहा है। हाँ, मिस्टर ट्रैवलिंग बग। हाँ जी, आ रहे हैं आप, आ रहे हैं ना आप, आएंगे हम आपके कश्मीर भी घूमने जाएंगे अभी। हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं। ओके, रस्ते से आ रहे थे ना, एक जगह पे पत्थर ने ऐसे शू टकराया यहाँ पे और ये शू बाहर आ गया। तो इस शू की तो बैंड बच चुकी है पूरी तरह से। ये कहीं पे तो लगा है, इसका ये कवर, ये भी निकल गया। अभी ये वाटरप्रूफ नहीं रहा, पानी आएगा तो पानी इसमें घुस जाएगा।
यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुके थे, चाय पी, फ्राइड राइस खाए, अब बस निकलते हैं। और अब यहाँ से सीधा निकलेंगे तो सबसे पहले आएगा पैंगोंग का व्यू पॉइंट, और वहाँ से हम राइट हो जाएंगे स्पार्किंग के लिए, चलते हैं। ग्रुप से गिर गया था, फिर मैं उनको हेल्प किया, तो गिरते पड़ते हम उसे ये वाला रास्ता थोड़ा है गड़बड़। हाँ अरे यार पूरा पेबल्स इतना बड़े जा नहीं रहा है, मैं तो 10-15 कार्स को मैं, हाँ मैं भी कई बार गिरते गिरते बचा हूँ। लेकिन आज का रास्ता इतना एडवेंचरस है ना, जितने भी बाइकर्स आ रहे हैं सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है ऑन द वे, इतने पत्थर पत्थर है रास्ते में। एक्सीडेंट हुआ है, हिमालयन का पूरा पहिया निकला हुआ है। ओह शिट, कैसे हो गया, मतलब क्या सीन? ये कार थी वो ऐसे टर्निंग में, वो फिर टर्निंग में, हाँ एक और आगे से कार आ रही थी, तो फिर ये कहाँ टकरा गया? सीधा फ्रंट कार से टकरा गया। कोई नहीं, ही सेफ। उनको पानी पिलाओ भाई, थोड़ा शॉक है ना। हाँ शॉक होता है यार, लगता है कहीं तुरंत पिला है ना, जस्ट पीछे ही अगर हॉस्पिटल कुछ हो तो 2-3 किलोमीटर। हाँ हाँ यहाँ पे सब कुछ है, दुर्बुक में हर चीज है। हेड ऑन हेड था ये, कार में क्या ठोका, बाइक में इसको ठोका ना भाई, उसका कार में ठोका, मतलब नहीं ठोका ना, कहाँ ठोका, वो आप लोग कहते हैं। अरे कार ने नहीं, कार में ठोक दिया, देयर इज अ डिफरेंस। कोई नहीं, शिट। बंदा पूरा राइडिंग गियर्स पहने हुए था तो उसको बहुत ज़्यादा चोट तो नहीं आई है, थोड़ा सा होंठ में लगा है, तो हेलमेट का ही कोई पार्ट अंदर से लगा होगा उसको, लेकिन ठीक है, ही इज़ फाइन। अभी जब से पीछे का वो एक्सीडेंट देखा है ना, तब से थोड़ा सा डर लग गया है, और मैं बाइक अब आराम आराम से चला रहा हूँ। वो देखो छोटा सा वहां पे दिख रहा है ना, वो पैंगोंग लेक है, पानी बहुत नीला है ना। अभी धीरे धीरे करके हम वहीं पहुंच जाएंगे। क्या मस्त ब्लू दिख रहा है। ये देखो 3 इडियट्स पॉइंट, यहाँ पे सब कितने सारे स्कूटर्स लगा दिए। 3 इडियट्स के बाद तो ये जगह इतनी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है कि हर टूरिस्ट इधर आके एक फोटो खिंचवाना जरूर चाहता है। वेलकम टू द ग्रेट पैंगोंग लेक। ओह सुबह निकले, रोड खराब मिली, कोई बात नहीं, रास्ते में एडवेंचर हुआ, कोई बात नहीं, रोड्स पे पत्थर ही पत्थर थे, कोई बात नहीं, रास्ते में एक्सीडेंट मिला, डर लगा, पर कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही पैंगोंग तक पहुँचे ना, फर्स्ट व्यू आया, और उसके बाद हमने चलना शुरू किया तो देखा रोड ही नहीं है। उसके बाद पूछा तो पता चला ये रोड टूट चुकी है, और ये वही रोड है जो यहाँ से ऐसे करके, ये जो रोड जा रही है ना, ये चुसुल तक जाती है और आगे चाइना बॉर्डर में मिल जाती है। आगे चुसुल के कितना जाने देते हैं, चुसुल भी जाने देते हैं, ये भी पता नहीं, कल अगर हुआ तो जाएंगे, नहीं तो दरी से वापस चले जाएंगे, क्योंकि पीछे रोड्स बहुत ख़राब है, इतने ज़्यादा पत्थर पत्थर पत्थर, बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब। और यहाँ पर तो रोड टूटा हुआ था, हमें 10 मिनट वेट भी करना पड़ा। यहाँ वेट करते करते हल्की फुल्की बारिश शुरू हो गई, पीछे से धीरे धीरे हो रही थी पर यहाँ पर थोड़ा ठीक ठाक शुरू हो गई। फिर जैसे ही यहाँ पर एंटर किया, ये यहाँ पर होम स्टेज दिखे, अभी मैं अपने होम स्टे की छत पे ही हूँ, ये होम स्टे है इस तरफ सारे, और हम इस वक्त हैं स्पार्किंग विलेज में, और वो नीचे सारे कैंप्स हैं। कैंप्स थोड़े एक्सपेंसिव हैं, होम स्टेज रीजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं। प्राइस की डिटेल, होम स्टे कैसा है, ये सब मैं आपको कल की वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि आज की वीडियो के लिए ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।